हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं निमसेट 2020 के पेपर के सोल्यूशन की। और सोल्यूशन में तुम लोग देखोगे क्या डिफिकल्टी लेवल था। जैसा कि बोला जाता है 2020 का पेपर आसान था, लेकिन आसान बोलना और उन 2 घंटों में करने में काफ़ी डिफरेंस होता है। हाँ, रिलेटिवली इजी बोला जा सकता है एज़ कम्पेयर टू 2019, क्योंकि 2019 का पेपर काफ़ी डिफिकल्ट था। हाँ, 2020 में 8 to 10 क्वेश्चंस थे जो बिल्कुल स्ट्रेट थे, लेकिन बाकी जो 40 क्वेश्चंस थे उसमें तुम्हें ठीक ठाक कैलकुलेशन करना पड़ता, ठीक है। और जब पेपर आसान होता है तो रिलेटिवली कट ऑफ हायर हो जाता है, और खुद से भी पेपर को देख के एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, तो हड़बड़ी में गलत होने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं, ठीक है। तो आसान पेपर होने से कॉम्पिटिशन डिक्रीज नहीं होता है, ध्यान रखना, कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। ज़्यादा अवेयरनेस रखनी पड़ेगी तुम्हें ड्यूरिंग सॉल्विंग। और जहां तक बात रही 2021 एग्जाम की, तो वो भी पेपर एक्सपेक्टेड है कि इसी साइड, मतलब इजियर साइड ही रहेगा, जैसा 2020 का एग्जाम रहा है। और 2021 का मई में कंडक्ट होना इम्पॉसिबल है ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन। एक्सपेक्टेड है कि ये जुलाई या अगस्त तक तो जाएगा ही जाएगा एटलीस्ट। तो तुम्हारे पास ठीक ठाक टाइम है, अभी 2 to 3 month एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, जिसमें तुम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर अभी भी नहीं कराए तो अभी भी काफ़ी चीज़ें करी जा सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा निमसेट का तुम लोगों का एक मॉक कल हम कंडक्ट करा रहे हैं, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। ये मॉक कल 2 से 4 के बीच में होगा, 2 to 4 PM। और इस मॉक को भी हमने एक मॉडरेट लेवल पे ही सेट करा है, इजियर लेवल पे ही सेट करा है। तो जितने भी लोग अटेम्प्ट करेंगे, तो ये मान के चलो 400 प्लस मार्क्स लाते हो तो फिर सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। और अगर कम भी आ रहे हैं तो अभी भी टाइम है, 2 to 3 months मिलेंगे तुम लोगों को 2021 के लिए। तो अगर मेहनत करोगे तो काफ़ी कुछ प्रिपेयर करा जा सकता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट 2021 के एस्पिरेंट्स हैं, INPS क्लासेस की कंप्लीट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें निमसेट के मॉक 50 mock मिलेंगे तुम्हें विद कंप्लीट सॉल्यूशन। इसके अलावा 35 mocks हैं अदर यूनिवर्सिटीज के, टोटल 400 प्लस टेस्ट होंगे, इंक्लूडिंग मॉक्स एंड टॉपिक वाइज एंड मेजर टेस्ट, जो कि कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ है, एंड फुल डिस्क्रिप्शन विद शॉर्टकट एंड शॉर्ट ट्रिक्स ऑल। इसके लिए कूपन कोड भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से तुम इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और इस टाइम पे जो बेस्ट तरीका होगा प्रिपेयर करने का, वो टेस्ट ही होगा। टेस्ट से तुम्हें अपनी स्पीड तुम चेक कर सकते हो, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उन प्रॉब्लम को इस टाइम में फिर रिमूव कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें निमसेट 2022 के एस्पिरेंट्स की, तो उसका बैच भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि ऑनलाइन ही रहेगा, तो वेट मत करो। जितने लोग भी ज्वाइन करना चाहते हो अभी से कर सकते हो, और फर्दर अगर ये ऑफलाइन में कन्वर्ट होता है तो ऑफलाइन में कन्वर्ट भी करा सकते हो। तो वेट करने का कोई लॉजिक नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। जितना जल्दी करोगे उतनी बेटर लर्निंग होगी। कमिंग मंडे से भी एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी इंक्वायरी के लिए तुम वेबसाइट पे भी जा सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें मोबाइल नंबर मिल जाएगा, वहाँ से तुम इंक्वायर कर सकते हो। और जो लोग अर्ली ज्वाइन करते हैं, हमने देखा है सिलेक्शन के चांसेस उनमें ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा अच्छा टाइम मिल जाता है। और इनिशियली हम लोग एटलीस्ट टू मंथ्स सिर्फ बेसिक मैथ्स पे ही फोकस करते हैं, जिससे सॉल्विंग तुम्हारी काफ़ी स्ट्रांग हो जाए, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ निमसेट 2020। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 1 को। पहली चीज़ तो ये लिखा क्या है, ये लिखा है NCR। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होता है कि NCR को हम इस तरह से लिख सकते हैं, N नीचे R, या NCR को ऐसे भी लिखा जाता है, ऊपर N नीचे R, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज है, ध्यान से देखना। ये बायनोमियल कोफिशिएंट में फॉर्मूला होता है, 2 बायनोमियल कोफिशिएंट हैं, इनको बोलते हैं कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट। कब? जब
सुपर स्क्रिप्ट सेम हो एन एन, और सब स्क्रिप्ट में एक का डिफरेंस है, सब स्क्रिप्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है, एक का डिफरेंस आ रहा है, तो ऐसे केस में सुपर स्क्रिप्ट एक बढ़ जाती है और सब स्क्रिप्ट जो दोनों में से बड़ा नंबर है आर वो लिख दोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एनसीआर और एनसीआर प्लस वन, इसको ऐड करने पे सुपर स्क्रिप्ट एक बढ़ जाएगी और सब स्क्रिप्ट में जो दोनों में से बड़ा नंबर है आर प्लस वन वो आ जाएगा। सिंपल। सिमिलरली एक और, काफी लोग फॉर्मूला रट लेते हैं तो थोड़ा वेरिएशन होता है तो नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये है एन प्लस वन सी आर प्लस वन प्लस एन प्लस वन सी आर प्लस टू, इसको सॉल्व करना है तो सुपर स्क्रिप्ट सेम है, सब स्क्रिप्ट में देख रहे हो एक का डिफरेंस आ रहा है तो ऐड करने पे सुपर स्क्रिप्ट एक बढ़ जाएगी और सब स्क्रिप्ट दोनों में से जो बड़ा नंबर है आर प्लस टू वो यहाँ पे सिंपली लिख दो। ओके, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन क्या है, 15C8 प्लस 15C7 इज इक्वल टू, सुपर स्क्रिप्ट सेम है, सब स्क्रिप्ट में एक का डिफरेंस है तो सुपर स्क्रिप्ट को एक इंक्रीज कर दो और सब स्क्रिप्ट दोनों में से जो बड़ा नंबर है, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है एट, यहां पे लिख दो। यहां बाय द वे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन एक फॉर्मूला और होता है एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। वैसे तो यहाँ पे n 16 आ गया और r 8 आ गया लेकिन ये फॉर्मूला लगा के तुम फिर से इसको 16C8 ही आएगा बाय द वे, अगर चेंज होता तो r की वैल्यू कुछ और भी हो सकती थी, तो n की वैल्यू सिंपली क्या आ गई 16 और 8। तो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल ही स्ट्रेट क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा नहीं कि 2020 में सारे ही क्वेश्चन स्ट्रेट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सेट थ्योरी का था और 2020 में सेट थ्योरी के चार क्वेश्चंस आए थे, उस हिसाब से सेट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया 2020 के लिए। ठीक है, इन अ क्लास देर आर 50 स्टूडेंट्स, तो मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट में टोटल 50 स्टूडेंट है, तो यूनिवर्सल सेट में 50 स्टूडेंट हो गए। इट इज फाउंड दैट 30 स्टूडेंट्स रीड हितवद न्यूज़पेपर, ये नॉर्थ साइड का है, नॉर्थ ईस्ट साइड का न्यूज़पेपर है, इंग्लिश न्यूज़पेपर हितवद न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 30 स्टूडेंट्स हैं। 35 स्टूडेंट्स रीड्स हिंदुस्तान पेपर, टेन रीड्स नाइदर, 10 ऐसे हैं जो ना फर्स्ट न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना ही सेकेंड न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 10 स्टूडेंट इस तरीके के हैं। क्लियर है? अब पूछा गया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु रीड्स बोथ न्यूज़पेपर, मतलब ऐसे कितने हैं जो फर्स्ट न्यूज़पेपर भी पढ़े, यू एंड मतलब इंटरसेक्शन, सेकेंड न्यूज़पेपर भी पढ़े। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये सेट थ्योरी में तुम लोगों ने पढ़ा होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बार इंटरसेक्शन बी बार, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, एंड वी शुड नो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहां से देखो हम क्या लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड्स नाइदर हितवद नॉर हिंदुस्तान, दैट इज यूनिवर्सल सेट से तुम सब्ट्रैक्ट कर दो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड्स हितवद यूनियन हिंदुस्तान। अब यहां पे हम ये फॉर्मूला लगा देंगे ए यूनियन बी का, अच्छा ये कितने स्टूडेंट हैं 10, तो यहां पे ये 10 हो गया इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट में कितने हैं 50, टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, इसको लिख लो फर्स्ट न्यूज़पेपर यूनियन सेकेंड न्यूज़पेपर, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड्स फर्स्ट न्यूज़पेपर प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड्स सेकेंड न्यूज़पेपर माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड।
ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 10, ये 50, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड्स फर्स्ट न्यूज़पेपर इज 35, 30 हु रीड्स हिंदुस्तान इज 35, और ये हमें निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड्स फर्स्ट न्यूज़पेपर इंटरसेक्शन सेकेंड न्यूज़पेपर। ठीक है, तो यहां से देखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड्स फर्स्ट न्यूज़पेपर एंड एज वेल सेकेंड न्यूज़पेपर, ये 10 है, इधर से 15 बचेगा, उधर जाके हो जाएगा 25। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड्स बोथ न्यूज़पेपर इज 25। सिंपल क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये भी सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। ए इज द सेट, एक्स की जगह एन लिखना बेटर रहता है, 4n-3n-1, एन इज अ नेचुरल नंबर। बी इज अ सेट, क्या लिखा है, 9 × x-1, एक्स की जगह एन माइनस वन कर लिया, एन इज अ नेचुरल नंबर। एन अगर कोई नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट करोगे, 1 रखने पे 0 आएगा, 2 रखने पे 9 आएगा, 3 रखने पे 18, 27, ये 9 के सारे मल्टीपल देगा, इट इंक्लूड्स ऑल मल्टीपल ऑफ 9। ये 9 के सारे मल्टीपल दे रहा है। ठीक है, अब यहां पे बाइनोमियल थ्योरम का एक कंसेप्ट यूज होता है, 1 + x^n। आई होप ये चीज तुम लोगों ने बाइनोमियल में पढ़ी होगी, 1 × x^n-nx-1, ये डिविजिबल होता है बाय एक्स स्क्वायर। तो इसको इस फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, ए आ जाएगा, ध्यान से देखो ए क्या आएगा, 4 को लिख लो तुम 1 + 3n-3n-1, तो ये डिविजिबल हो जाएगा, इससे कंपेयर कराओ, एक्स हो गया 3, तो ये डिविजिबल हो गया 3² से, मतलब 9 से। ठीक है, अब देखो यहां पे एन को वैल्यू डिफरेंट रखते जाओ, एन को रख दो 1, नेचुरल नंबर है, तो 4 − 3 − 1 0 आ जाएगा, एन को रख दो 2, 4² मतलब 16 − 6 − 1 9 आ जाएगा, एन को 3 रख दो तो 4³ = 64 − 9 − 1 ये 54 आ गया, मतलब 9 का मल्टीपल आ तो रहा है ए में लेकिन सारे नहीं आ रहे, 0 तो आ गया, 9 आ गया, उसके बाद जंप करके सीधे 54 पे पहुंच गया। इस तरह से अगर तुम देखोगे सारे मल्टीपल ऑफ 9 तो आएंगे लेकिन सारे मल्टीपल ऑफ 9 नहीं आएंगे, एन को 4 रखोगे तो और जंप कर जाएगा, तो इसका मतलब ए जो हुआ वो सबसेट हुआ, प्रॉपर सबसेट हुआ बी का, मतलब ए में जितने एलिमेंट हैं वो बी में होंगे ही होंगे, बिकॉज बी में सारे मल्टीपल ऑफ 9 आ रहे हैं और ए में सारे मल्टीपल ऑफ 9 नहीं आ रहे हैं, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इट्स आंसर इज ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द आंसर, सिंपल। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन, पावर सबसेट ऑफ ए, क्या बताना है हमें, पावर सबसेट ऑफ ए। तो पावर सबसेट इज ऑल टाइप ऑफ सबसेट ऑफ ए, पावर सेट, अगर ए में एन एलिमेंट्स होते, एन डिफरेंट एलिमेंट्स होते, डिफरेंट ही एलिमेंट्स होते हैं सेट्स में, तो 2^n इज द पावर सबसेट, पावर सेट। तो यहां पे कितने एलिमेंट हैं, 3, तो पावर सेट कितने हो जाएंगे, 2³, मतलब सिंपली 8। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बस तुम्हें पता होना चाहिए पावर सेट क्या होता है।
इसके अलावा कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट में टोटल जो सबसेट आ रहे हैं उसमें से दो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दो में ये एक सेट होता है नल सेट और एक सेट होता है कंप्लीट सेट ए। एक सेट होता है कंप्लीट सेट ए और एक होता है नल सेट, वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया सिंपल। तो इसका आंसर तो पावर सेट का 8 आएगा, 2 टू द पावर एन। प्रॉपर सबसेट अगर पूछा जाए तो 2 की पावर एन से 2 सब्ट्रैक्ट कर देना। तो आई होप ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड स्टार्टिंग विद डी टेकिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड डेली। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन सिंपल क्वेश्चन होने का ये मतलब नहीं कि वो तुम्हारे लिए ही सिंपल है, वो सबके लिए सिंपल है। तो फिर स्कोर करना थोड़ा और ज्यादा स्कोर करना पड़ता है। डी को फिक्स कर दिया, सारे लेटर्स डिफरेंट हैं, कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4, तो परमिटेशन कॉम्बिनेशन का है। स्टार्टिंग विद डी, ठीक है, तो 4 लेटर्स को अरेंज कैसे करेंगे हम 4 फैक्टोरियल से, एंड 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज सिंपली 24 इज द आंसर। इसका आंसर क्या हो गया हमारा 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन, ध्यान से देखो क्या है सिक्स में। नरेश हैज 10 फ्रेंड्स एंड ही वॉन्ट्स टू इन्वाइट 6 ऑफ देम टू ए पार्टी, हाउ मेनी टाइम्स विल 3 पर्टिकुलर फ्रेंड्स नेवर अटेंड द पार्टी। मतलब 3 पर्टिकुलर को पार्टी अटेंड करनी ही नहीं है, तो टोटल फ्रेंड्स में से 3 को निकाल के बाहर कर दो, तो अब उसके पास कितने फ्रेंड्स बचे 7 फ्रेंड्स। 7 फ्रेंड्स में से उसको कितने को इनवाइट करना है, 6 को। तो सिंपली क्या हो जाएगा, सेलेक्ट करना होता है पार्टी के लिए 7C6, NCR होता है NCN-R, तो ये हो जाएगा 7C7-6, दैट इज 7C1, एंड वी शुड नो कि NC1 होता है N, तो ये हो जाएगा 7। बी इज द आंसर, सिंपल। इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ यंग बॉयज पार्टी इन विच 3 फ्रेंड्स हैव अटेंडेड। मतलब एक यंग बॉय है और उसके कितने फ्रेंड्स हैं, 3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। द मदर हैज अरेंज 10 गेम्स वेयर प्राइस इज अवॉर्डेड फॉर विनिंग द गेम, द प्राइस आर आइडेंटिकल। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइस आइडेंटिकल है, प्राइस आर आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मल्टीनोमियल थ्योरम यूज करा जाता है। आई होप ये चीज पढ़ी होगी तुम लोगों ने, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मल्टीनोमियल थ्योरम यूज करा जाता है। और उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं हम, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग R persons each can get any number of objects। किसी को कितना भी ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं, तो उसका आंसर होता है n plus r minus 1 cr minus 1, ठीक है। मतलब किसी को 0 भी मिल सकता है, किसी को सारे भी मिल सकते हैं, तो ये फॉर्मूला प्रूव होता है मल्टीनोमियल थ्योरम से।
और इसी तरह से एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट एन आइडेंटिकल, इसको नोट कर लो सब लोग, ऑब्जेक्ट्स अमंग आर पर्संस सच दैट ईच गेट एटलीस्ट वन। सबको एक एक ऑब्जेक्ट मिले तो इसका फॉर्मूला होता है एन माइनस वन आर माइनस वन। तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ ईच ऑफ फोर चिल्ड्रन रिसीव एटलीस्ट वन प्राइज। ऑब्वियसली यंग बॉय के तीन फ्रेंड हैं तो वो भी इंक्लूड होगा गेम्स में। टेन आइडेंटिकल प्राइजेस हैं, चार लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और सबको एटलीस्ट एक प्राइज मिलना चाहिए। सबको एटलीस्ट कितना मिलना चाहिए, एक एक प्राइज मिलना चाहिए। तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, एन माइनस वन आर माइनस वन, कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, एन माइनस वन आर माइनस वन। तो एन हो गया टेन, आइडेंटिकल प्राइज, आर हो गया फोर बॉयज में बांटना है, तो क्या फॉर्मूला लगा दें, एन माइनस वन सी आर माइनस वन। तो फॉर्मूला अगर याद है तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा नाइन सी थ्री, दिस इज आंसर इज नाइन सी थ्री। नाइन सी थ्री को पूरा सॉल्व कर लेना, एन सी थ्री होता है एन एन माइनस वन एन माइनस टू डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल, ठीक है, एन एन माइनस वन एन माइनस टू डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 84 आंसर आता है। क्या आंसर आता है, 84, करके देख लेना इसको, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 84, सिंपल। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। There are three cities A, B, C are equidistant from each other. A motorist travel from A to B at this speed, B to C at this speed, C to A at this speed. The average speed. Average speed क्या होती है? Total distance travel upon total time. तो देखो A से B जाना है, B से C जाना है और ये सब equidistant है, तो हम ऐसे केस में इसको equilateral triangle मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, equilateral triangle। A यहाँ हो गया, B यहाँ हो गया और सी यहां हो गया। ये सारी डिस्टेंसेस ए ए और ए, ठीक है। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। ए से बी जा रहा है 30 की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर से। बी से सी जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से और सी से ए जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से। तो टोटल डिस्टेंस तो 3a हो गई। टाइम कितना लगेगा, t1 मान लो, t1 टाइम है ए से बी जाना। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड T2, B से C जाना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है B से C जाने की, T3, C से A जाना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये T1 प्लस T2 प्लस T3 आ गया। तो टोटल डिस्टेंस है तुम्हारी, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल है 3A एंड टाइम लग रहा है तुम्हें T1 प्लस T2 प्लस T3 का, मतलब A बाई 30
प्लस ए बाय 40 प्लस ए बाय 50। ए कैंसिल कर दो, यहां पे आ जाएगा 3, नीचे से 1/10 कॉमन ले लो, तो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, ये 10 ऊपर चला जाएगा, एवरेज स्पीड जो आ जाएगी 3/4/5 का एलसीएम निकालोगे तो 60 आएगा, 3/4/5 का एलसीएम 60, इससे सब 3 से डिवाइड करोगे 20, 4 से डिवाइड करोगे 15, 12, तो यह आ जाएगा तुम्हारा 30 × 60 डिवाइड बाई ये आ रहा है 47। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 38. करके देख लेना 38.29 किलोमीटर पर आवर, और 38.29 आ रहा है, इट मींस आंसर क्या हो जाएगा 38.3। दिस इज आवर आंसर, सी इज द आंसर। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन था यहाँ पे, सारे ही क्वेश्चन स्ट्रेट नहीं थे कि तुमने देखा और आंसर टिक कर दिया, ठीक है। और एग्जामिनेशन में प्रेशर भी काफी होता है, इस बात का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ए प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट ए बी सी, इफ द प्रॉबिलिटी दैट ए सॉल्व, प्रॉबिलिटी की ए सॉल्व कर लेगा प्रॉब्लम को, इज 1/2, बी सॉल्व नहीं कर पाएगा 1/4, इसका मतलब बी सॉल्व कर लेगा, इस बात की प्रॉबिलिटी होगी 3/4, ठीक है, 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। द होल प्रॉबिलिटी दैट प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ध्यान से देखना, प्रॉब्लम एक ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तब भी सॉल्व हो जाएगी जब कोई एटलीस्ट एक कर ले, कोई एटलीस्ट एक कर ले। तो देखो उसको दो तरह से कर सकते हैं, प्रॉबिलिटी दैट ए कर ले या फिर बी कर ले या फिर सी कर ले, दैट इज 63/64, ओके, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इससे थोड़ा सा ये लेंदी हो जाता है, मतलब आई थिंक ये फॉर्मूला तुम लोगों को पता होगा, पी ए यूनियन बी यूनियन सी का ये फॉर्मूला होता है, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और दो लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट होता है, तो इस केस में ये जो वैल्यूज आती हैं वो पी ए इंटू पी बी बन जाएगी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ओके। ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ये हो, ये प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉब्लम एटलीस्ट एक सॉल्व कर लेगा, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व, ध्यान से देखना, प्रॉब्लम इज सॉल्व, इसको हम यही बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय एटलीस्ट 1, कोई एक भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर ले तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी एटलीस्ट 1 ऑफ ए बी सी, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो यहां से हो सकता है, हमें सी के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। दूसरा तरीका थोड़ा सा आसान पड़ेगा, वो तरीका ध्यान से देखो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि कोई प्रॉब्लम ना सॉल्व कर पाए, ए भी ना कर पाए एंड बी भी ना कर पाए एंड सी भी ना कर पाए, ठीक है,
और तीन लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो इनका प्रॉब्लम सॉल्व करना इंडिपेंडेंट होता है, तो पी ए बार इंटू पी बी बार इंटू पी सी बार लिख सकते हो उसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा वन माइनस ए सॉल्व नहीं कर पाएगा इस बात की प्रॉबिलिटी हाफ, बी सॉल्व नहीं कर पाएगा इस बात की प्रॉबिलिटी वन बाई फोर, सी नहीं कर पाएगा इसको मान लो कुछ के के 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, और ये प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी 63/4, ये प्रोबेबिलिटी कितनी है 63/4, इसको पूरा सॉल्व कर लेना 63/64 ये है प्रॉब्लम ना सॉल्व कर पाने की प्रॉबिलिटी, और हमसे पूछा गया है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो 1 माइनस के हम निकालेंगे तो के बाय 8 आएगा, 1 माइनस 63/64 तो के की वैल्यू 1/8 आ रही, तो के है पी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता, तो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है तो दैट इज 1 माइनस 1/8, दैट इज आंसर इज 7/8, इसका आंसर क्या हो जाएगा 7/8, सी इज द आंसर, इसका आंसर क्या आ गया सी। तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही स्ट्रेट क्वेश्चंस हो, तो कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा करना भी पड़ेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, देखते हैं ध्यान से। 10th क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, ए एंड बी प्लेज अ गेम वेयर ईच इज आस्क्ड टू सेलेक्ट अ नंबर फ्रॉम 1 to 25। ए और बी 1/1 गेम खेल रहे हैं जिसमें 1 से 25 के बीच का नंबर सेलेक्ट करना है। If two numbers matches, both will win. ठीक है, दो नंबर मैच कर जाएंगे तो दोनों विन कर जाएंगे, और नंबर तभी मैच करेंगे जब रिपीटेशन अलाउड, ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या आएगा, एनएस, एनएस को क्या बोलते हैं सैंपल स्पेस, रिपीटेशन अलाउड है। तो पहला ए प्लेयर 25 वेज में से कोई टिकट सेलेक्ट कर सकता है, दूसरा भी 25 वेज में से कोई भी टिकट सेलेक्ट कर सकता है, दिस इज अवर सैंपल स्पेस। क्या पूछा गया है ध्यान से देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल नॉट विन प्राइज इन अ सिंगल ट्रायल, तो एक सिंगल ट्रायल में वो प्राइज ना विन कर पाए इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो हम ये कर लेते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट दे विन द प्राइज, तो देखो विन कब करेंगे जब दोनों का 1-1 आ जाए, ये फेवरेबल केसेस हैं, या फिर दोनों के ही 2-2 आ जाए, या दोनों के 3-3 आ जाए, या दोनों के 25 and 25 आ जाए नंबर, तो ये कितने फेवरेबल केस आए 25। तो 1 माइनस 25 वेज होंगे जब दोनों के नंबर मैच करेंगे, 625 सैंपल स्पेस, तो इट्स आंसर इज 24/25। तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर दूसरा भी एक तरीका हो सकता है, वो ना जीते, ठीक है। तो 1 माइनस यार ए देखो कुछ भी चूज कर सकता है, ए के पास सारी चॉइसेस हैं, मतलब दे विन द गेम, तो ए के पास कुछ भी आ सकता है, 25 में से कोई भी 25 नंबर आ सकता है, लेकिन बी के पास वही आना चाहिए जो ए के पास आया, ए के पास मान लो 7 आया, तो इसके पास भी 7 ही आना चाहिए, तो एक ही चॉइस बची बी के पास, और टोटल नंबर ऑफ वेज 25 ही है, तो देख लो इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह क्वेश्चन आई होप करे होंगे तुम लोगों ने प्रोबेबिलिटी में, 24/25 इस तरह से कर सकते हो। तो ए के पास तो कुछ भी आ सकता था, लेकिन बी के पास वही आना है जो ए के पास आया, तो ए के पास लेट से 7 आया तो बी के पास 7 ही आएगा, तो एक चॉइस, और टोटल 25 टिकेट्स हैं, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए आज, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे,
निमसेट 2020 के, जिससे तुम लोगों को समझ में आएगा कि किस तरह से पेपर सॉल्व करा जाएगा इसका। ठीक है,